कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सहारनपुर यातायात यानी सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आने वाला जो एक सप्ताह है उसमें जो कावड़िया है वो बड़ी संख्या में उनसे सहारनपुर की आवाजाही रहेगी, लाखों की संख्या में कावड़िये हरिद्वार जाएंगे, इसी रूट से जाएंगे, तो उसकी क्या कुछ व्यवस्था है, बातचीत करने के लिए एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा जी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब में। थैंक यू वेरी मच। किस तरह की व्यवस्था की गई है कांवड़ को लेकर कर सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा? देखिए, 22 तारीख से सबको उम्मीद है कि ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है, जिसमें 22 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक जलाभिषेक तक यहाँ निरंतर लोगों का आवागमन हरिद्वार से लेकर के यमुनानगर या अन्य राज्यों और जनपदों में रहेगा और लगभग 5 से 6 लाख की भीड़ लगभग पर डे के हिसाब से यहाँ निकलने की संभावना है। इसके लिए हमने जो मेन कांवड़ रूट है, जो काली नदी हरिद्वार से प्रवेश करते हुए और हमारा शहर के अंदर से राकेश केमिकल होते हुए, घंटाघर होते हुए, फिर अंबाला रोड से यमुनानगर की तरफ निकलता है, ये मेन कांवड़ रूट है। और इस रूट को हमने जो शहर के अंदर से जा रहा है, रूट को आप देख रहे हैं, इसको 2 भागों में हमने अभी डिवाइड कर रखा है। हमने इस पूरे पीरियड को जो कि 22 से ले करके और 2 तारीख तक का है, इसको 2 भागों में बांटा है। 22 तारीख से ले करके हम 26 तारीख तक जो दूसरी साइड की एक तरफ वाहन और एक तरफ कांवड़िया चलाएंगे। उसके बाद अगर कांवड़ियों का दबाव बढ़ेगा तो हमको ये वाहनों को और कम करना पड़ेगा, 4-व्हीलर भी रोकने पड़ेंगे। अभी हमारे 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों चल रहे हैं, तो जब कांवड़ियों का दबाव बढ़ेगा तो 26, 27 या 28 तारीख से हम 4-व्हीलर भी इस रूट पर पूरी तरह बंद कर देंगे। और इनके डायवर्जन के पूर्व से ही हमने समाचार पत्र और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए डायवर्जन प्लान सभी आम जनमानस को बताए जा चुके हैं। और इंटरनली जो कांवड़ रूट है हमारा, उससे अगर हमें शहर के लोगों को क्रॉस करना है तो हमारे पास केवल 3 जगह हैं जहाँ से हम शहर के एक तरफ से शहर के दूसरे तरफ को जा सकेंगे। पहला है अम्बेडकर चौराहा, दूसरा है घंटाघर और तीसरा दर्पण तिराहा। इन 3 जगहों से ही एक शहर के दूसरे तरफ क्रॉस करेंगे, बाकी पूरे कांवड़ रूट में कहीं क्रॉसिंग की व्यवस्था नहीं रहेगी। और बस अड्डे की बात है तो बस अड्डा भी शहर के बीच में स्थित था, उसको 2 भागों में डिवाइड करके 2 जगह स्थापित किया गया है। एक काशीराम में स्थापित किया गया है और दूसरा मानकमऊ में। जो काशीराम में स्थापित किया गया है उसका अप्रोच जो है वो हमारा दिल्ली या अन्य देहरादून जाने के लिए रास्तों का इस्तेमाल करेगा, और जो मानकमऊ वाला है वो अंबाला, यमुनानगर या उस तरफ को जाने के लिए यात्रीगण इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बस अड्डे तक शहर से जाने के लिए व्यवस्था जो है वो ई रिक्शा या अन्य ऑटो की व्यवस्था जो है आम जनमानस को, वो उसके माध्यम से वहाँ बस अड्डे तक पहुँच सकेंगे। मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से सभी सहारनपुर वासियों से ये रहेगी कि इस पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान यथासंभव, जब तक आवश्यक ना हो, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर वाहनों में ना निकलें और इससे असुविधा से बचें। और वैसे भी इस भीड़ के दौरान कोई घटना ना घटित हो, इसके लिए पुलिस, सहारनपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। सर, एक सवाल बड़ा है कि जो शहर, जो पुराना शहर है और नया शहर है, दोनों लोग इधर से उधर जाने में दिक्कत होती है, आपने 3 पॉइंट गिनाए, अगर जो मानकमऊ के लोग हैं जो इधर आना चाहते हैं वो किस रूट से आएंगे, कौन सा पॉइंट है? देखिए, मानकमऊ से हमारा आने का रास्ता वो सीधे सीधे अपना जो सर्किट हाउस वाला लेबर चौराहा है उससे उतर करके और मेन शहर में अंदर हसनपुर चौक चौराहे तक आ करके उसके बाद शहर में जा सकते हैं, बस कांवड़ रूट के अवॉइड करना। तो 3 पॉइंट सर ने बताए हैं, जो लोग हैं पुराने शहर और नए शहर के वो आपस में इधर उधर आ जा सकते हैं, इन 3 के अलावा आपको कोई भी पॉइंट खुला नहीं मिलेगा। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी वेब न्यूज़ के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।